बीजेपी विधायक की बेटी साक्षी और अजितेश सुरक्षा की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे, जहां सुनवाई से पहले कुछ असामाजिक तत्वों ने अजितेश को पीट दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि अजितेश की पिटाई कोर्ट परिसर में की गई। वकील नसीम ने कहा कि वो कोर्ट चैम्बर के अंदर थे। जब वो शोर शराबा सुनकर बाहर आए तो उन्होंने देखा कि अजितेश के कुछ लोग पिटाई कर रहे थे। नसीम साहब, आज जो है अजितेश के साथ कोर्ट के अंदर मारपीट हुई है, क्या मामला है ये पूरा? देखिए, साक्षी मिश्रा विधायक बरेली की पुत्री और अजितेश का मामला आज माननीय न्यायालय में सुनवाई के लिए निश्चित था, जिसमें डीजीपी के आदेश पर सुरक्षा में इनको नोएडा से लाया गया था। लेकिन यहाँ हाईकोर्ट परिसर में सुनवाई के पहले ही जैसे ही पेश होने के लिए वो लोग आए तो पुलिस सुरक्षा में अजितेश की पिटाई की गई है, कुछ लोगों ने द्वारा उनकी पिटाई की गई है, जो मामला एक बहुत ही गंभीर और चिंताजनक है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय में किसी पीड़ित को अगर परिसर के अंदर इस तरह पिटाई की जाएगी तो उनके वायरल किए गए वीडियो कहीं ना कहीं सच्चाई थी कि उनको जान का खतरा है। और ये घटना बहुत ही दुखद और गंभीर है, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने सुमोटो लेते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रयागराज को तलब किया है और इस पर कोई भी गाज गिर सकती है इलाहाबाद के एडमिनिस्ट्रेशन पे, क्योंकि इलाहाबाद में इतनी बड़ी घटना जो कि जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने गंभीरता से रुख अख्तियार किया था, इसमें सुरक्षा में इनको लाया गया था और पुलिस सुरक्षा में इस तरह की घटना बहुत ही निंदनीय है और इसमें कोई ना कोई कार्रवाई बहुत जल्द हो। अच्छा, वकील साहब, किसने की थी मारपीट, कौन लोग थे? ये जानकारी अभी नहीं मिल पाई है, चूंकि इसमें जांच चल रही है कि कौन लोग थे, चूंकि अजितेश के साथ घटना घटी है और मारने वाले वो कौन लोग थे, ये अजितेश की तहरीर पर या उनके बयान के बाद ही बात साबित होगी। वहीं कोर्ट परिसर में हुई मारपीट के बाद जज ने कड़ा रुख अपनाया और अधिकारियों को तलब करते हुए साक्षी और अजितेश को सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए। सुनवाई के दौरान जज सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने दोनों की शादी को सही माना और शादी के फर्जी प्रमाण पत्र होने से इनकार किया। जितेश पेश हुए थे, क्या हुआ उसमें? देखिए, आज जो है माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा जी की बेंच में मुकदमा लगा हुआ था, दोनों लोग हाजिर हुए, पूरी रिट पिटीशन पे बहस हुई है और जो आधार था उसमें जो उनके जो है आयु प्रमाण लगा था उसको देखते हुए पाया गया कि दोनों, तो कोर्ट ने दोनों को जो है, और उस पर यह भी डिमांड की गई थी दोनों की तरफ से कि उनके जो है खतरा है और उनको घर वाले उनके परेशान कर रहे हैं, तो उस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए ये डायरेक्शन दिया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को कि जो है उनको प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए दोनों को। और क्या दोनों साथ रह सकते हैं? और अब जी, ये तो सुप्रीम कोर्ट का सेटल्ड लॉ है कि अगर बालिग हैं आप और शादी आपने कर ली है, आप इन लिव इन रिलेशनशिप में भी साथ रह सकते हैं, और यहाँ तो दोनों ने शादी की है, उसका भी प्रमाण लगा हुआ है, तो इसलिए उसमें। अच्छा, वकील साहब, किस तरीके की सुरक्षा की बात कही है? देखिए, अभी टेम्पररी कोर्ट ने उनको यहाँ से जहाँ वो जाना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचाने के लिए अभी एसपी सिटी इलाहाबाद को डायरेक्ट किया है और दोनों थाने सिविल लाइन थाने कैंट थाने को डायरेक्ट किया है, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार भी ये देखे कि कितनी सिक्योरिटी देनी चाहिए इनको, कितनी किस तरीके से इनको। बरेली पुलिस को ऑर्डर कर दिया गया सिक्योरिटी देने के लिए? स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर किया गया है कि इसमें जो रिप्रेजेंटेशन उनको दिया जाएगा वो पुलिस ये देखेगी कि इनको कितनी से, हाईकोर्ट तो बता नहीं पाएगा दो गार्ड चाहिए कि चार गार्ड, वो एक कमेटी होती है, वो कमेटी डिसाइड कर देगी कि कितनी सिक्योरिटी। अच्छा वकील साहब, उनके घर वाले कुछ आए थे क्या? कोर्ट ने फटकार भी लगाई घर वालों को? देखिए, ऐसा है कि वैसा अंदर तो कुछ इस तरीके का माहौल नहीं था, बाहर थोड़ा खटपट का माहौल था, उस पे ये नहीं कह सकते कि उनकी तरफ से थे या क्या थे, क्योंकि भीड़, क्योंकि हाईलाइटेड हो गया था बहुत मैटर, दो दिन से तीन दिन से मीडिया में छाया हुआ था, क्योंकि फ्राइडे को भी लगा था और आज मंडे की डेट रखी गई थी, कई न्यूज चैनलों पर रोज चल भी रहा था, तो इस वजह से वकील भी उत्सुक थे देखने के लिए, भीड़ लगी थी वहाँ पे, तो इसलिए काफी। क्या उनके पिता भी आज यहाँ पर कोर्ट में पेश हुए थे? नहीं, उनके पिता नहीं आए थे और उनकी तरफ से ऐसा ऐसा कोई दिखाई नहीं दिया, क्योंकि किसी की प्रेजेंस की आवश्यकता नहीं थी, सिर्फ सुना गया और स्टेट की तरफ से भी वकील थे, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सेटल्ड लॉ है कि अगर लड़का लड़की बालिग है तो साथ में रह सकते हैं। गौरतलब है कि बीजेपी विधायक की बेटी साक्षी ने अपने दोस्त अजितेश से प्रयागराज के एक मंदिर में शादी की थी, जिसके बाद साक्षी मिश्रा और उसके पति अजितेश ने अपनी जान को खतरा बताते हुए हाईकोर्ट से सुरक्षा की मांग की अर्जी लगाई थी, जिस पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने दोनों को राहत देते हुए पुलिस को सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए प्रयागराज से सैयद रजा की रिपोर्ट।